तो गाइज वीवो V21e के डिवाइस पर आ चुका है जनवरी मंथ में न्यू अपडेट। इस अपडेट का क्या साइज है, क्या इसका न्यू वर्जन है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की गई, क्या नए फीचर्स आए हैं और आपके डिवाइस पर एंड्रॉइड 12 और फंटच 12 का अपडेट कब देखने को मिलेगा, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो यहाँ पर बात करते हैं करंट वर्जन की। करंट वर्जन है यहाँ पर 11.0.9.2 और यहाँ पर न्यू वर्जन आया है 11.0.9.4। इस अपडेट का साइज आपको 189.43 MB का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एंड्रॉयड 12 और फंटच 12 अपडेट आपके डिवाइस में कब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सिस्टम अपडेटेड टू द जनवरी 2022 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको जनवरी मंथ का ही गूगल सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जिससे आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ नेटवर्क में ऑप्टिमाइज किया गया है, ऑप्टिमाइज नेटवर्क एडेप्टेबिलिटी इन सर्टेन रीजन्स टू प्रोवाइड ए मोर स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन। तो यहाँ पर आपके नेटवर्क की एडेप्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया गया है। कई बार ऐसा होता था कि आपके डिवाइस में कुछ रीजन्स में मतलब कुछ जगह पर आपके फ़ोन में नेटवर्क अच्छे से नहीं आ पा रहा था, नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं था, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप फिक्स कर दिया गया है। अब आप किसी भी एरिया किसी भी रीजन में अपने फ़ोन में अच्छे नेटवर्क को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके बाद है मल्टीमीडिया फिक्स द इशू वेयर द स्पीकर ओकेजनली डज नॉट आउटपुट ऑडियो साउंड व्हेन यूजिंग सम थर्ड पार्टी ऐप्स। तो कई बार ऐसा होता था कि आपके डिवाइस में जो थर्ड पार्टी ऐप्स है उसे यूज करते टाइम मल्टीमीडिया में जो है वहाँ पर स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो इस चीज़ को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब आप किसी भी ऐप में चाहे थर्ड पार्टी ऐप्स हो या फिर सिस्टम ऐप हो, किसी भी ऐप में आप मीडिया को चलाकर उसके जो आवाज़ को सुन पाएंगे, यानी कि जो आवाज़ है वो बंद नहीं होगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से फिक्स किया गया है। तो ये सारी इम्प्रूवमेंट इस अपडेट के अंदर की गई है। ये अपडेट अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप 4 से 5 दिन का वेट कीजिए, आपके डिवाइस पर ये अपडेट शो करने लग जाएगा, उसके बाद अपडेट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके डिवाइस पर एंड्रॉयड 12 और फंटच 12 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो वीवो ने जो ऑफिशियल लिस्ट जारी की है इसके अंदर आप देखेंगे वीवो V21e का नाम दिया गया है तीसरी रो में और यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ जनवरी 2022, यानी कि इसी मंथ आपको लास्ट में एंड्रॉयड 12 और फंटच 12 अपडेट मिलने की संभावना है। लेकिन अगर बात करें कि सभी के डिवाइस में कब मिलेगा तो फरवरी मंथ में सभी के डिवाइस में एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल जाएगा। ये थी आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।